नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। डायरेक्टर SS राजामौली मेगा बजट फिल्म RRR की शूटिंग कर रहे हैं। ये उनकी पिछली फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 की तरह ही मेगा बजट फिल्म है, जिसमें जूनियर NTR और रामचरण तेजा मुख्य किरदार में हैं। कुछ समय पहले खबरें आई थी कि राजामौली फीमेल लीड के लिए तमिल, तेलुगु और बॉलीवुड एक्ट्रेस की तलाश में हैं। उस दौरान उन्होंने आलिया भट्ट और परिणीति चोपड़ा को अप्रोच भी किया था, लेकिन दोनों की ही भारी भरकम फीस होने के चलते बात नहीं बन पाई थी। फिलहाल इस रिपोर्ट की माने तो राजामौली अपनी फिल्म में आलिया भट्ट को कास्ट करने के लिए बड़ी रकम देने के लिए भी तैयार हैं। बताया जा रहा है कि राजामौली ने करण जौहर के जरिए आलिया भट्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन आलिया अभी कई प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, जिसके कारण वो ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाई। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की पूरी टीम शूटिंग के दूसरे शेड्यूल की तैयारी में है। अब अगला शेड्यूल कोलकाता में शूट किया जाएगा। इस दौरान 45 दिन शूटिंग चलेगी। सोर्सेज की माने तो फिल्म में 3 फीमेल लीड होंगी। इसके ये वो 2 एक्ट्रेसेस की तलाश में हैं। तीसरी हीरोइन की तलाश वो जुलाई के बाद करेंगे। RRR का बजट लगभग 300 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में आलिशान सेट भी बनाया गया है। आपको बता दें कि आलिया भट्ट अब आने वाले कई प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं। आलिया भट्ट कलंक फिल्म में भी नजर आएंगी। फिल्म में उनका लुक कैसा होगा ये तो रिवील हो चुका है। इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक वर्मन कर रहे हैं। करण जौहर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मल्टी स्टारर ये फिल्म अगले महीने 19 तारीख को रिलीज होगी। फिल्म की स्टार कास्ट में आलिया भट्ट के अलावा वरुण धवन, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा शामिल हैं। इसके अलावा आलिया भट्ट ब्रह्मास्त्र की तैयारी में हैं। ब्रह्मास्त्र का लोगो भी रिवील कर दिया गया है। रणबीर कपूर उनके साथ इस फिल्म में बिग स्क्रीन शेयर करने वाले हैं और साथ ही उनके साथ फिल्म में अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे। इस फिल्म को आयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं और साथ ही इस फिल्म का प्रोडक्शन भी धर्मा प्रोडक्शन ही कर रहा है। तो फिलहाल तो आलिया भट्ट का शेड्यूल काफी बिजी लग रहा है। ऐसे में राजामौली की फिल्म में आलिया भट्ट क्या काम कर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है गिव अस कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।